मैंने कहा गौरव चौहान तुम मत भूलिए, ये चंबल के वीरों की भूमि है सबलगढ़। यहाँ का एक एक आदमी एक एक लाख के बराबर होता है, 70-80 लाख लोग मेरे सामने बैठे हैं। और इस बात का आपको आभास होगा जब आप कविताएं पढ़ेंगे, ये वीरों की भूमि है। सच बता रहा हूं मित्रों, मैं रविंद्र रवि को ग्वालियर से आया हूं, लेकिन मेरा एक स्वप्न था कि एक बार सबलगढ़ जो बलिदानियों का तीर्थ है, वहां पर इस माटी को नतमस्तक करने का मेरा मन था। आज वो पूर्ण हो गया, मैं आनंदित। आज की शानदार टीम आपके सामने बैठी हुई है, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, माइक बहुत अच्छा है। नहीं बहुत अच्छा है, ये गौरव चौहान ने कर दिया है, इसको अनुभव है माइक ठीक करने का, इसके सम्मान में ताली बजाओ। हाँ, तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कवि सम्मेलन भक्त होने वाला है, देश के नामचीन चेहरे, मुझे बड़ा फख्र हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि जिन चेहरों को आज तक हम और आप टेलीविजन के माध्यम से देखते थे, आज रूबरू वे हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये भी ताली बजाने वाली बात थी, सम्मान। कवि सम्मेलन प्रारंभ हो किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान का, तो मेरा मन है, यद्यपि ये सितारे आपके सामने बैठे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरा मन है, ये परंपरा है कि मैं विधिवत रूप से इनका परिचय, आज के इस गुलदस्ते का मैं परिचय आपसे कराऊं। मेरे ठीक उस छोर पर बैठे हैं, आपके ही माटी का लाल है, हितेंद्र शर्मा, बहुत अच्छी कविताएं कहते हैं, आप जोरदार तालियां उनको। आप सुदर्शना युक्ति हमारी बहन बैठी हुई है, आपने विभिन्न टेलीविजन चैनलों के माध्यम से, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह है जहां पर आज योगदाने कविता न पड़ी हो। बहुत कम उम्र में सब जगह अपनी कविता इन्होंने पहुंचाई। योगिता चौहान ये एटा से हमारे बीच में आती है, जोरदार तालियों से। उनके ठीक बगल में विराजमान है एक सुदर्शन चेहरा, नाम है उपेंद्र पांडे। पांडे जी बहुत बड़े वीर रस के कवि हैं मित्रों, देश की राजधानी दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं, और प्रसन्नता की बात यह है कि वो हिंदी हमारे मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में ना, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आप हिंदी सलाहकार हैं उस समिति के एक महत्वपूर्ण पद। आज उनकी रस में डूबी हुई कविताएं आपको सुनने को मिलेंगी। उनके ठीक बगल में बैठे हैं, इनका क्या परिचय देना, भाई साहब 20 साल से अपन टेलीविजन में देख रहे हैं, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियन, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को हंसाने वाला एक चेहरा, सुरेश अलवेरा हमारे बीच में बैठा है। जोरदार अभिनंदन तालियां से किए हैं। तो जयपुर से हमारे बीच में आते हैं, और काव्य मंचों का जिसने सदैव अपनी वाणी, अपनी सृजना के माध्यम से जो गौरव बढ़ाया है, गौरव में उत्थान किया है, उनके नाम में ही गौरव है, माँ भारती का उन्होंने गौरव बढ़ाया है, ऐसे गौरव चौहान। लपेटे में नेताजी एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम आता है टीवी 8 में, आप सब लोगों ने देखा होगा ये चेहरा उस पे, जैसा कि हमारे आदरणीय कह रहे थे कि मैंने आपको टेलीविजन पर देखा है, ये गौरव चौहान होते हैं। इनका तेवर अभी आप देखेंगे, वही चौहानी तेवर जो कभी इतिहास में हम लोगों ने पढ़े हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हैं, अभी नहीं क्या परिचय देना, मैं हट जाऊं। हाँ, राजवीर जिसके नाम में वीर लगा हो, ये कलम के भी वीर हैं साहब, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनकी ख्याति हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी है। ये कलम के सबसे बड़े साधक हैं, इनके सम्मान में जोरदार तालियां। अरे वो तो क्या कहने, कवित्र रामायण तो पूरी दुनिया जानती है, डंका बज रहा है आजकल कवित्र रामायण का, राजगीर जी ने जो लिखी है, अद्भुत ग्रंथ है, मैं चाहता हूँ उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। उनके ठीक बगल में देख रहे हैं आप सुदर्शना चेहरा, आपकी सबलगढ़ की माटी का गौरव बढ़ाने वाले सर्जन है पेशे से, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं साहब, डॉक्टर शरद अग्रवाल जी हमारे पास बैठे हैं। शरद शर्मा जी, असल में होता क्या है, ये आपने कहावत सुनी होगी, मैं भी शर्मा हूँ, ये इनके साथ गड़बड़ ब्राह्मण ही कर सकता है, उसमें आपका दोष नहीं, मेरी जाति का दोष है उसमें। शरद शर्मा जी बैठे हुए हैं, आप इनका अभिनंदन करें। उनके बगल में जो भगवा वस्त्र में बैठा है बिल्कुल तैयार, ये क्या हो गया भैया, भगवा के नाम से हो गया खेल, ये भगवाधारी नव युवक है, इसकी लेखनी में धार है जो अभी आप देखेंगे, हमारे बीच में विराजमान है अनिल।
मुद्दे जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आज मंच पर डॉक्टरों की भरमार है, एक और डॉक्टर हमारे बीच में विराजमान है, तो ये कविता का ऑपरेशन तो करेंगे या वो भी आप देखोगे। हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय पवन जी, डॉक्टर पवन उपाध्याय जी, इनका अभिनंदन जोरदार तालियों से किया जाए। और इस पूरी गुलदस्ते को सजाने वाला एक नाम जिन्हें ढूंढ ढूंढ के कभी इकट्ठे करेंगे, ऐसा भी एक चितेरा बैठा हुआ है, मेरा मन है आप उनके सम्मान में तालियां बजाएं। योगेश उपाध्याय जी, दोस्तों मेरा मन है कि अब कब सम्मेलन प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि बहुत देर से 8 बजे से प्रारंभ होना था लेकिन किसी कारणवश थोड़ा आगे बढ़ गया। बड़ा सौभाग्यशाली मैंने पहले ही कह दिया, आज मैं आनंदित हूँ और आपको भी आनंद आएगा इस कवि सम्मेलन में। ये कवि सम्मेलन की यात्रा की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, कवि सम्मेलन जब प्रारंभ होता है तो हमारे संस्कार ये कहते हैं, आखिर आज का ये मंच एक विशेष उद्देश्य से लगाया गया है, सजाया गया है, बिल्कुल कहना चाहिए कि आखिर हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, और आने वाले भविष्य में लोकतंत्र में हमारी क्या भूमिका है, हमें क्या करना है, हमें क्या निर्णय लेने हैं जिससे देश का निर्माण हो, देश विकास करे, देश में राम में राममय हो जाए ये देश। राम का अर्थ सिर्फ भगवान नहीं होता, राम एक सूक्ष्म शब्द है मित्रों, राम का अर्थ विकास होता है, राम का अर्थ संस्कार होता है, राम का अर्थ उत्थान होता है, राम का अर्थ देशभक्ति होता है। तो मेरा मन है ये सब चित्र के लिए कहने वाले हैं, इस उद्देश्य से हम सबका ये प्रयास होना चाहिए, भारत हमारा देश है, ये धरती हमारी माँ है, इसके उत्थान के लिए कैसे किया जाए हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कवि सम्मेलन प्रारंभ हो एक सुमधुर वाणी के साथ, हमारे सनातन धर्म का जब भी ये नियम है मित्रों, जब भी कोई साहित्य का अनुष्ठान किया जाता है तो हम बागेश्वरी देवी को याद करते हैं। आज माँ सरस्वती की पुत्री मधुर कंठा हमारी बहन सीटी थोड़ा कम कर दो भैया, हमारे मधुर वाणी की धनी योगिता चौहान हमारे बीच में विराजमान है। मैं निवेदन करता हूँ वे आए और माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें, आप जोरदार तालियों से उनका